हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। फ्रेंड्स, आज के लिए आपके बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आपकी जो यहाँ पे एमपी पुलिस एमपीएसआई से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे पेपर की कटिंग भी आपको जैसा कि दिखाई दे रही है, और जो कि न्यूज़ निकल कर आई है पेपर में ही निकल कर आई है आपकी, जो कि पेपर में दिया हुआ है कि अगस्त में आएगी भर्ती परीक्षा। तो एमपी पुलिस एमपीएसआई की जो भर्ती आएगी वो आपकी अगस्त में आएगी, जैसा कि पेपर में कहा गया है। तो उसी के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आप बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंत में हम बहुत सारा जो कि पेपर में आपको जो डेटा दिया हुआ है वो पूरा डिस्कस करेंगे डिफरेंट। तो आपको यहाँ से पूरा पता चल जाएगा कि जो भर्ती है कब आएगी, आखिरकार क्यों नहीं आ रही है, पूरी डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपी पुलिस एमपीएसआई कांस्टेबल कोई सी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारा जो डेटा है, मटेरियल है, वो प्रोवाइड कराया जाता है। डेली करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, उसके साथ में आपको जीके, साइंस और भी बहुत सारे जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम, बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आप जो तैयारी है अपनी और भी बेहतर कर पाएंगे। ओके, तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी एक महीने भी आ सकती है और टाइम भी इसको लग सकता है। तो बिल्कुल भी कहना पॉसिबल नहीं होगा कि वैकेंसी कब आएगी। जो न्यूज़ निकल कर आई है उसी के आधार पर हम आज के स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब चलिए जान लेते हैं क्या न्यूज़ निकल कर आई है आपकी एमपी पुलिस एमपीएसआई से रिलेटेड। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है पुलिस भर्ती पर डुलमुल रवैया। इस जो पुलिस भर्ती होनी है इस पर डुलमुल रवैया जो कि अपनाया जा रहा है। जून में ही होनी थी कांस्टेबल परीक्षा, अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। ये जो भर्ती है वैकेंसी है जून में होनी थी, पीईबी ने अपनी साइट पर इसका जो कि डेट थी वो भी अनाउंस कर दी थी, बट अभी तक ये भर्ती नहीं आई है। और बाद में जो कि पीईबी की वेबसाइट से इस डेट को भी हटाया जा चुका है, ताकि कोई भी बिल्कुल आरोप उन पर प्रत्यारोप नहीं लगा सके कि ये जो कि भर्ती है इसकी डेट निकल चुकी है, अभी तक ये भर्ती क्यों नहीं आई। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या इनके बारे में क्या क्या इन्होंने बोला है, तो क्या न्यूज़ निकल कर आई है। तो पीईबी के डुलमल रवैया से प्रदेश के लाखों प्रतिभागी उलझन में हैं। जून और अगस्त में होने वाली भर्ती परीक्षाओं की वैकेंसी अब तक जारी नहीं की गई है। पुलिस विभाग में नौकरी की आस लगाए बैठे जो कि बेरोजगार युवा 4 महीने से इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका डुलमुल रवैया प्रदेश के लाखों प्रतिभागियों के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रतिभागी है बहुत टाइम से, करीबन 2 साल से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। तो 2 साल से इसकी तैयारी में जुटे हुए और अभी तक इस वैकेंसी का कोई भी अता पता नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रदेश के लाखों प्रतिभागी साल भर से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है अगस्त में जो कि इसका टाइम दे रखा है, अभी तक कोई भी जारी फॉर्म जो कि नहीं हुआ है, इन्होंने कोई भी नोटिस इसके बारे में जारी नहीं किया है। जिम्मेदारों को फ़ोन करते ही नहीं मिलती है संतोषजनक जानकारी। अब जो भी पीईबी के जो कि अधिकारी है उनको अगर फ़ोन किया जाता है, उनसे बात की जाती है, कॉन्टैक्ट किया जाता है किसी भी माध्यम से, तो वो बिल्कुल भी संतोषजनक जानकारी यहाँ पर जवाब नहीं देते हैं। वो बोल सकते कुछ भी ऐसा उटपटांग जवाब देते हैं, तो उनके बारे में ऐसा समझ सकते हैं कि पे आपको कुछ भी यहां पे जानकारी नहीं मिल पाती है पीईबी के द्वारा। आगे देख लेते हैं, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी मई से दिसंबर के बीच करीब 15 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर चुका है। तो ये कि दिसंबर मई से दिसंबर के बीच में कर चुका है 15 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। फरवरी मार्च में जारी सूचना के मुताबिक कांस्टेबल भर्ती में जून से परीक्षा होनी थी, इस तरह अगस्त में सब इंस्पेक्टर एसआई की जो कि भर्ती परीक्षा होना था। कुछ समय पहले तक पीईबी के वेबसाइट पर कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा प्रदर्शित की जा रही थी। हाल ही में पीईबी ने इसकी तारीख जो कि साइट से हटा दी है, ताकि प्रतिभागी आरोप नहीं लगा सके कि भर्ती की तारीख निकल चुकी है और अब तक वैकेंसी जारी नहीं की गई है। तो यह आप समझ सकते हैं क्यों जो कि पीईबी ने अपनी साइट से जो कि डेट हटाई है। अब इन परीक्षाओं को लेकर पीईबी के पास कोई भी जवाब नहीं है। अगर पूछा जाता है तो वो कुछ भी जवाब इसका नहीं देते, या फिर देते हैं तो कुछ ऐसा वैसा जवाब दे देते ताकि जो कि कैंडिडेट है वो संतुष्ट हो जाए। यानी कब वैकेंसी निकलेगी और कब परीक्षा होगी, ये जानकारी प्रतिभागियों को नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे आप लोग पूछ भी रहे थे कि वैकेंसी कब तक आएगी कब तक आएगी, तो यहाँ पर बता देते हैं कि इसका कुछ भी अता पता नहीं। और आगे भी देख लेते इसके बारे में थोड़ा सा, तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती जल्द होगी, ये जो कहा गया है एडीजी ने कहा है, पुलिस भर्ती विभाग के जो एडीजी है शैलेश सिंह, इनके द्वारा ये कहा गया है कि सब इंस्पेक्टर की और कांस्टेबल की जो भर्ती होगी जल्द होगी। प्रदेश में सब इंस्पेक्टर और आरक्षकों के रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती कराई जाएगी। पीवी की वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित की जाएगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की वैकेंसी अगस्त माह में जारी होगी, इस जो कि इसी तरह कांस्टेबल की भर्ती भी जो कि वैकेंसी जारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो कहा है वो कहा है कि पीवी की वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित की जाएगी। अभी कुछ टाइम पहले अभी एक नोटिस जो कि न्यूज़ निकल कर आई थी कि पीवी जो कि बंद हो रहा है, और अब ये बोल रहा है कि पीवी की वेबसाइट पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो भर्ती परीक्षा कराएगा वो पीईबी के द्वारा ही कराई जाएगी। अब ये स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते हैं, बट जैसा कि इन्होंने बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भर्ती कराएगी पीईबी ही कराएगी, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कह रखा है कि पीईबी की वेबसाइट पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित की जाएगी। यदि पीईबी भर्ती नहीं कराता तो पीईबी की वेबसाइट पर सूचना सब जो कि प्रदर्शित क्यों कराई जाएगी, ये इन्होंने कहा है। आप कुछ भी मान लीजिए आप इनको, ओके। और आगे बात करें तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, ऐसा ये कह रहे हैं, और उसके बाद में कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अगस्त माह में जारी की जाएगी, ऐसा इन्होंने बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कुछ नियमों में संशोधन किया जाएगा, क्योंकि पहले जो कांस्टेबल भर्ती आती थी उसके बाद में एसआई की वैकेंसी आती थी, अब ये पहले एसआई की और फिर बाद में कांस्टेबल की भर्ती जो कि जारी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पूरा स्टेटमेंट। अब आगे जानकारी ले आगे देखें तो उम्मीदवारों ने पढ़ाई के साथ ही फिजिकल फिटनेस पर हज़ारों रुपये खर्च किए। यहाँ देख सकते हैं जून में होनी थी परीक्षा, लेकिन अभी तक कोई भी इसके लिए कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। उम्मीदवारों ने पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस पर हज़ारों रुपये अभी खर्च भी कर चुके, क्योंकि दो साल से वैकेंसी नहीं आई जबकि हज़ारों पद रिक्त हैं। और जब से जो कि जो उम्मीदवार है जब से फिजिकल और पढ़ाई अपनी चालू रखे हुए और हज़ारों रुपये खर्च कर चुके हैं, बट इसका कुछ भी उनके ऊपर जो कि उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आई है जब से अब तक। तो यहाँ पर आप आगे भी जान लेते हैं, तो उम्मीदवारों ने पढ़ाई के साथ ही फिजिकल फिटनेस पर हज़ारों रुपये खर्च किए, इसका उन्हें कुछ भी फायदा नहीं मिला है अभी तक। परीक्षा के एक महीने पहले जारी होना चाहिए था विज्ञप्ति, ओके, विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बनने के लिए प्रदेश के लाखों युवा जो कि बेरोजगार हैं साल भर से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने डीबी स्टार को बताया कि वे लंबे समय से कोचिंग क्लासेस के साथ ही घर पर परीक्षा की पढ़ाई में जुटे हुए हैं। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए सुबह रनिंग की प्रैक्टिस के साथ शाम को जिम जा रहे हैं। आगे देख लेते हैं तो साल भर में पढ़ाई के साथ ही फिटनेस जो कि फिटनेस पर भी हज़ारों रुपये खर्च कर चुके हैं ये लोग, और ऐसे में वैकेंसी जारी करने के बजाय इन वक्त पर परीक्षा की तारीख हटा देने से उन्हें झटका लगा है। जिम्मेदारी जो कि जिम्मेदार अधिकारी परीक्षा को लेकर कोई भी जवाब नहीं दे रहे। हालांकि एसआई परीक्षा 17 अगस्त से शुरू होना बताया जा रहा है, लेकिन इसकी वैकेंसी का अब तक कोई भी नहीं जो कि न्यूज़ निकल कर नहीं आई है, फिर इसकी जो वैकेंसी अभी तक नहीं निकाली गई है। नियमानुसार परीक्षा से एक माह पहले विज्ञप्ति जारी होना चाहिए। देखिए एक महीने पहले अगर विज्ञप्ति जारी हो जाता है तो उससे आपको पूरा अनुमान लग जाता है, और उससे आप जो तैयारी है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दो साल से वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयारी बंद कर चुके हैं, क्योंकि क्या पता वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी। तो इसलिए एक महीने पहले तो कम से कम जो कि विज्ञप्ति जारी होना ही चाहिए। और बहुत सारे जो लोग हैं दो साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो कि बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि अब तक वैकेंसी क्यों नहीं आई है। आगे देख लेते थोड़ी सी और न्यूज। दो साल से वैकेंसी नहीं आई है जबकि हज़ारों पद रिक्त। पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के हज़ारों पद रिक्त है, यह बात कई बार टीआई से लेकर एसपी कह चुके हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये नहीं आई है, और इसके बारे में इन्होंने इंस्पेक्टर जो कि और कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं आई इसके बारे में टीआई और एसपी भी कई बार ये बात कह चुके हैं। पुलिस विभाग में इन पदों के लिए दो साल से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। अब मामला फिर उधर जो कि अधर में लटक गया है कि हालांकि टीआई जो कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर ग्रुप वन ग्रुप टू महिला बाल विकास में कार्यक्रम अधिकारी के साथ ही करीब दर्जन परीक्षाएँ की तारीखें पीईबी की साइट पर डिस्प्ले हो रही है। तो ये जो तारीखें इनकी जो वैकेंसी है इनकी भी तारीखें जो कि डिस्प्ले हो रही है पीईबी की वेबसाइट पर जो कि डिक्लेयर कर दी गई है, बट इनका भी अभी कुछ भी अता पता नहीं है। आगे देखते थोड़ी सी जानकारी। पीईबी नई तारीख करे घोषित। देखिए हम दो साल से पुलिस ये जो लोग हैं जो कि प्रतिभागी हैं इनका कहना है कि हम दो साल से पुलिस विभाग में भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, ड्रॉप लेकर परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। जो कि पीईबी ने कांस्टेबल परीक्षा की तारीख 5 महीने पहले घोषित की थी, अब उसे हटा दिया है। परीक्षा की तारीख भी निकल चुकी है, पीईबी जल्द ही नई तारीख जारी करें। तो ये जो कहना है इन लोगों का कहना है कि जल्द ही तारीख नहीं जारी करें, और अब उधर कह रहे हैं कि पीईबी की साइट पर नई जो कि तारीख दिखाई जाएगी और अगस्त से सब इंस्पेक्टर और उसके बाद में कांस्टेबल की भर्ती कराई जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि पीईबी ही भर्ती कराएगा, बट बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अभी इस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया कि पीईबी कराएगी भर्ती या पुलिस विभाग कराएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरी जानकारी जो मिल गई है पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से रिलेटेड, अब आप आसानी से समझ सकते हैं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। और अगर आप पूरी ये जो न्यूज़ है इसको देखकर अगर आप समझ सकते हैं, तो हम ऐसा इसका निष्कर्ष निकल कर आ रहे हैं कि इसका कुछ भी अभी आता पता नहीं है, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये एक संतुष्टि के लिए ये न्यूज़ दी गई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है कि वैकेंसी बिल्कुल 100% आएगी ही सही। तो यदि आप एमपी पुलिस एमपीएसआई की कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप
हमारे कूपन कोड ROYJGO40 को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MP पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप इसकी जो तैयारी और भी बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ अगर आप और भी अधिक मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा है कि वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है MP पुलिस MPSI से संबंधित, और यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा जिससे आप जो अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।